शांति। आज की तारीख है 22/3/16 और आज मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सत्यनारायण की कथा, कथा मीन्स कथन, किसी भी एक कहानी का कथन करना, अर्थात भगवान ने आकर के हम बच्चों को नर से नारायण बनने की कथा सुनाई कि कैसे हम नर से नारायण बने। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा से सत्यनारायण की कथा। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। जैसे वो कथा में दिखाते हैं ना कि ये कथा सुनने से ये फायदा है, ये प्राप्ति है, ये सिद्धि है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि हम सत्य बाप से ये सत्य कथा सुन करके नर से नारायण बनते और 21 जन्म के लिए बेहद के बाबा से हमें वर्षा भी मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है। हाँ, आज्ञाएं तो बहुत बाबा ने हमको दी हुई है, समय प्रति समय किन किन बातों की धारणा करनी है। तो अभी आज बाबा कहते हैं कि देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो, यानी रचयिता पिता परमात्मा को और वो जो नई दैवी रचना रच रहे हैं उनको याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत बजा है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूर्य चमका दे भगवान। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म यानी विकर्म नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और संपूर्ण पावन बनना है। नंबर दो है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूलकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है आज का, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। बाप दादा कहते हैं जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती, जो भी ड्रामा में कर्म करते वो विशेष होता, कोई भी कर्म उनका साधारण नहीं होता और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी वो संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग के सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।